दोस्तों स्वागत है आपका बोए कुक में। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं खिले खिले पोहा रेसिपी, जो कि काफी इजी और टेस्टी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हम 2-3 कप पोहा लेंगे और 3-4 बार अच्छे से धो लेंगे। इन्हें चावलों की तरह भिगो के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस 3-4 बार अच्छे से धो के छलनी में डाल के सारा पानी निकाल लेंगे। छलनी में से सारा पानी निकलने के बाद इसे हम थाली में अच्छे से फैला लेंगे। इससे पोहे के दाने चिपकेंगे नहीं और गांठें नहीं बनेगी और हमारे पोहे खिले खिले बनेंगे। अभी एक वोक में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल के अच्छी तरह गरम होने पर इसमें हम करीब 1/4 कप मूंगफली के दाने डाल देंगे और करीब 1-2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के फ्राई होने पर इसे हम अलग रख लेंगे और उसी वोक में थोड़ा सा और तेल गरम करेंगे। तेल के अच्छी तरह गरम होने पर इसमें हम करीब 1/4 चम्मच राई या सरसों के दाने डाल देंगे और अच्छे से तड़कने देंगे। अब इसमें 7-8 करी पत्ते डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। राई और करी पत्ते का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा फ्लेवर देगा। अब इसमें हम 2-3 कटे हुए प्याज डालेंगे और हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करते जाएंगे। अब हमारे प्याज सुनहरे होने लगे तो इसमें करीब 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, साथ में इसमें 1/4 कप मटर और 1/4 कप शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें कटे हुए आलू भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, करीब 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कुछ देर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हल्दी का रॉ फ्लेवर निकल जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। इसे हम करीब 3-4 मिनट तक या टमाटर के अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अब हमारी सब्जी और मसाले अच्छे से पक गए हैं तो अब इसमें हम फ्राई की हुई मूंगफली के दाने डाल देंगे, साथ में पोहा भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं पोहे को फैला के रखने से एक एक दाना अलग दिखाई दे रहा है और कहीं भी गांठें नहीं बनी है। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हल्के हाथों से पोहे को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक पोहा अच्छे से मसालों और सब्जियों के साथ मिक्स ना हो जाए। इस समय गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो हमारे खिले खिले पोहा रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी।